गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। अच्छा, कल जो हमने किया तो उसमें कोई डाउट किसी को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, डिक्शनरी को थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं, इसके कुछ फंक्शंस हैं वो भी अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा, कल तो हमने क्या किया था, यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट की थी और सब डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज हमने एक्सेस करके देखी थी। आज हम क्या करेंगे, जैसे डिक्शनरी में हमने वैसे तो वैल्यू ऐड कर दी है, बट फिर भी अगर हम चाहें तो एक बार दोबारा से हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का वो रह गया था, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। जैसे एक बार चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो वो एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कैरेक्टर को नंबर में और नंबर को कैरेक्टर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसका प्रोग्राम 11th में भी था, तो वो भी एक बार हम चेक कर लेंगे। अच्छा, पहले डिक्शनरी को कवर करते हैं। डिक्शनरी में हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कर लिया है, की वैल्यू पेयर वाला। इसके बाद में अपडेट कैसे करना है एग्जिस्टिंग वैल्यू को, तो आप ऐसे कर सकते हो, की रखो और वैल्यू आगे अपडेट कर दो। फॉर लूप के थ्रू क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर कीज को किस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हो, या फिर आप किस तरह से वैल्यूज को शो कर सकते हो यूजिंग द लूप। तो आज अपन एक ट्रैवर्सिंग देखेंगे, एक ट्रैवर्सिंग देखेंगे और एक आपका डिलीटिंग एलिमेंट। ये डेल वाला सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने डिलीट के लिए यूज किया था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, जिस की को लिखकर के आप यहाँ पे डिलीट करेंगे वो क्या हो जाएगी वहां से। अब जैसे की एरर आ गया यहाँ पे, अब जैसे कोई है ही नहीं तो उसमें एरर आएगा और जो है वो डिलीट हो जाएगी, दैट्स इट। और फिर पॉप वाला मेथड, ये भी मेथड से आप की को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये कुछ फंक्शंस हैं। अच्छा, अब इनको हम यूज करके देख लेते हैं एक बार कैसे यूज होंगे। यहां से चलते हैं हम की वैल्यू से, एडिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी। प्रैक्टिकली आपने इस चीज को समझ लिया तो विद एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ टू ऐड एलिमेंट इन डिक्शनरी। तो बस की वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप यूज करके और अप्लाइड कर सकते हो। अगर यहाँ आपको इसमें प्रैक्टिकल में ही कंफ्यूजन हो गया तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे उसको, तो इसलिए मेरा प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव ज्यादा है ताकि आप प्रैक्टिकल को देख करके इसको अप्लाइड कर सको। अच्छा, जैसे ये आपकी डिक्शनरी है D1, एक तो ये तो होता है कि ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करना, ठीक है। अब ये D1 क्या है, ब्लैंक है। दूसरा है D2 डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं, वहां पे हम कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं। जैसे कि एक वैल्यू हम लिख देते हैं सिटी और यहाँ पे नेम लिख देते हैं जयपुर। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने इनवाइटेड कॉमा को बंद नहीं किया, चलो ओके डन। अगर आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है या नई की और वैल्यू ऐड करनी है किसके अंदर, डिक्शनरी में, सबसे पहली चीज ये है कि वो डिक्शनरी डिफाइंड होनी चाहिए कि वो डिक्शनरी है। कैसे, जैसे अभी D1 को एंड D2 को हमने डिफाइन कर दिया, बट अगर मैं कोई D3 डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ और मैंने इस तरीके से मेंशन किया, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। रीजन बिकॉज D3 इज नॉट डिफाइंड, सिस्टम को ये पता ही नहीं कि वॉट इज D3। D3 लिस्ट है, टपल है, क्या है। इसलिए अगर आपको अगर यहाँ वैल्यू एड भी करनी है सो फर्स्ट यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है, आइदर ब्लैंक और विथ की एंड वैल्यू, जैसे आप चाहो वैसे डिफाइन कर दो। अच्छा, जैसे इसको डिफाइन किया हुआ, इसमें कैसे होगा, सेम वैल्यू आप ऐसे कर सकते हो, D1 देन नेम इक्वल्स टू, देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया बट इसने एक्सेप्ट नहीं किया। रीजन, क्योंकि
इसको फर्स्ट आपको एज ए ब्लैंक डिक्शनरी या फिर डिक्शनरी डिफाइन करना होगा, तब जाके एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट नंबर वन। दूसरी चीज ये, अगर किसी वैल्यू को अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल से D1 है, अब इसमें की तो, ये की तो अपडेट होगी नहीं, वी कैन अपडेट ओनली वैल्यू, हम की को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, डायल के थ्रू, जैसे अपन ने लिस्ट में किया था, है ना, बट अपडेट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे से D1 आपने यूज किया, एंड यहाँ पर आपने क्या किया, नेम यूज किया, और इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो इस तरह से, ये लो चेंज हो गया, जैसे आपने स्कूल वाले सॉफ्टवेयर में किया था, सेम उसी तरीके से। अच्छा, अब उसके बाद में ये कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो कीज को, कैसे, तो एक तो डेल मेथड, डेल वाले मेथड में जैसे लिस्ट में किया था D1, आपने यहाँ पे क्या यूज किया, नेम, ये लो। अब जब D1 को आप चेक करोगे तो देखो D1 में क्या हुआ, नेम नहीं है, बट इससे पहले क्या था, D1 में नेम वाली की और वैल्यू थी, तो पूरा इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये तो हुआ मेथड। अगर कोई की इसमें अवेलेबल ही नहीं हो, जैसे अगेन मैं यूज आई एम यूजिंग द D1 एंड नेम, ये तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या कहेगा कि एरर आ जाएगा कि ये की इसमें अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। एक मेथड होता है पॉप वाला, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, पॉप मेथड में क्या होगा, बस लिखने का फर्क है इनमें। जैसे यहाँ पे आपने लिखा D1 के अंदर आपने आपके पास सिटी वाला रखते हैं, सिटी, एंड यहाँ पे रखते हैं इक्वल्स टू जयपुर, एंटर करते हैं। अच्छा डी वाली, सॉरी इट वॉज D1, आई हैव एंटर ओनली D, नाउ एंटर करते हैं, देखो अब D1 आ गया। अगर पॉप वाला मेथड यूज करना है, सो T1 डॉट देन पॉप, जैसे आपने लिस्ट में यूज किया था, एंड यहाँ पर जो की है वो एंटर कर दो, इसने शो कर दिया कि कौन सा जो डेटा इसने रिमूव किया। अब देखो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं D1 को, देखो फिर से MPT है ना, खाली हो गया बिल्कुल। सो ये दो मेथड्स हैं जिससे आप की को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डायल एंड पॉप। इन दोनों से हमने क्या कर दिया, डिक्शनरी में से की और वैल्यू वाले पेयर को रिमूव ही कर दिया, अभी है ही नहीं हमारे पास अवेलेबल। ये तो बात हो गई डिक्शनरी में, एडिंग एलिमेंट एंड रिमूविंग द एलिमेंट और एक्सेसिंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे ये कुछ कॉन्सेप्ट गिवन है कि आप कोई वैल्यू और की यहाँ पे बनाओ और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर करो। हमने एक स्कूल वाला जो सॉफ्टवेयर बनाया था स्कूल के अंदर, वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्यों, कौन कौन सी डिटेल्स आपको ऐड करनी, इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी बना करके आप इसको क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ये डिलीटिंग एलिमेंट है, डायल वाला हमने अभी यूज किया, एंड यहाँ पे पॉप वाला भी हमने यूज कर लिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अब ये तो फिर वही कि अवेलेबल नहीं होगा तो नॉट फाउंड, या इस तरीके से ये एरर मैसेज शो कर दे, ठीक है, इन केस अगर आप वहां पे आपको एरर मैसेज शो करवाना हो, ठीक है, नहीं तो ये वाला मैसेज आएगा, चेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग की। अब देखो ये जो ये कॉन्सेप्ट वाला है, मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, जो हमने यूज किया था, अगर आपके पास यहाँ पर कोई डिक्शनरी है D1, आपने कोई डिक्शनरी क्रिएट की ब्लैंक, और D1 के अंदर आपने क्या किया, नेम और सिटी, एंटर कर दिया, क्योंकि व्हाट हैपनिंग यू, ओहो सॉरी 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 एक्चुअली, हाँ यस आस्क योर डाउट सर। सर पॉप में तो सर इंडेक्स वाली गलती है, पर सर डिक्शनरी में कैसे चल गई है सर, पॉप की जगह रिमूव भी तो कर सकते हैं। एक मिनट। अच्छा आप ये कह रहे हो कि जैसे पॉप की जगह हम रिमूव यूज कर लें इसमें डिक्शनरी के अंदर, है ना, और ये कह सर रहे हो, पॉप में इंडेक्स वैल्यू का यूज होता है, आपने पहले बताया था लिस्ट हाँ वाले, हाँ तो इंडेक्स तो वैल्यू तो इसमें तो यूज, की कैसे चल गई। यार देखो समझो अभी भी वो ही रहा है, अभी भी काम वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। देखो जब आप लिस्ट के अंदर से डिलीट करते हो, जैसे ये एक एलिमेंट ए बी और सी, तीन एलिमेंट है, अब यहाँ पे इसकी की क्या होती है, 0, 1 और 2, यही होता है। अब डिक्शनरी के अंदर हम क्या मैनुअली की डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे की होती है एंड देन फिर वैल्यू होती है, यही तो होता है, अभी भी वही काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है।
पहले आप एक्चुअली यहाँ पे हम की को डिफाइन नहीं कर सकते ना, इसलिए इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 चलती है। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या होंगे, ये वाली, ठीक है, वहां पर आप 0, 1, 2, 3 कर रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो आप स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर रहे हो, ये भी इंडेक्स वैल्यू, ये एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये इंडेक्स वैल्यू हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इंडेक्स हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गई, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट अभी भी वही चल रहा है। अच्छा कंफ्यूज हो, चलो ठीक है, मैं कंफ्यूज क्लियर करता हूँ। अब हाँ इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना है ना। देखो सबसे पहले एक लिस्ट डिक्लेयर किया आपने, है ना, लिस्ट वन, जिसमें आपने एक एलिमेंट ए रखा, ठीक है, एक एलिमेंट आपने बी रखा, एक एलिमेंट आपने सी रखा। अच्छा यहाँ पे अगर मान लो मुझे बी को प्रिंट करना हो तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मुझे बी प्रिंट करना है, कैसे पता चलेगा बताओ? सर इंडेक्स वैल्यू वन है ना, इंडेक्स वैल्यू से पता पड़ेगा। बट ऐसा क्यों है, क्योंकि इसने क्या है, एक ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई पर्सन लिस्ट या और टपल या स्ट्रिंग डिक्लेयर करता है तो उसमें से अगर उसको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या एलिमेंट को प्रिंट करना है तो ये क्या करता है, इसे कहते हैं हम सिक्वेंटल डेटा टाइप, जिसमें स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट आते हैं। ये इन तीनों के लिए क्या करता है, जब इसमें कोई भी वैल्यू आप एंटर करोगे तो उसमें जो चेयर्स है, जो ब्लॉक्स है, उनकी वैल्यू क्या रखता है, ये 0, 1, 2, हमेशा 0 से स्टार्ट करता है इन तीनों के लिए, इसीलिए इनको सिक्वेंटल बोलते हैं। अब डिक्शनरी जो क्या है वो सिक्वेंटल नहीं है, बिकॉज क्योंकि सिक्वेंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू होती है एक कंटिन्यूस ऑर्डर में, बट डिक्शनरी में क्या कहा। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट में डिक्शनरी पे अप्लाइड करता हूँ ये वाला, देखो डी वन एक डिक्शनरी है। देखो अब क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, जब आप मैनुअली की या इंडेक्स वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, ये हमेशा वैल्यू डिफॉल्ट क्या रखता था, 0 और फिर ए कॉमा, फिर 1 बी कॉमा एंड देन फिर 2 सी। अब ये जो कीज है ये ऑटोमेटिक डिफाइन करता था पहले, किसमें, लिस्ट के अंदर, टपल में और स्ट्रिंग में, क्योंकि हम मैनुअली डिफाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमें इसने ये ऑथराइजेशन दे दिया कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने खुद के मैनुअली इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, चाहे नेम से करो या नंबर से करो, यही तो डिक्शनरी में स्पेशल है। तो अगर आप यहाँ पे लिस्ट को इस तरीके से करते हैं, 0 से जैसे बी प्रिंट करते हैं तो बी आ गया, सेम D1 भी इसी तरीके से चलेगा। अगर आपने यहाँ पे 1 प्रिंट किया, 1 इंडेक्स वैल्यू ली तो B प्रिंट हो गया। देखो दोनों में सेम काम हो रहा है। अब यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गई है। फॉर्म चेंज कैसे हुई है, पहले क्या होता था, इसने आपको ऑथराइज नहीं किया हुआ था, आप क्या नहीं कर सकते थे, आप इंडेक्स वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते थे। यहाँ इसने क्या कहा कि भैया अब आप चाहो तो आपको ऑथराइजेशन गिवन है कि यू कैन डिफाइन योर ओन इंडेक्स वैल्यू, अब चाहे आप स्ट्रिंग में डिफाइन करो इंडेक्स को या नंबर में डिफाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सेम काम वही हो रहा है। अब देखो D2 का एग्जांपल देता हूं, तो अगर इसने मुझे अथॉरिटी दे ही दी है, ठीक है, देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने आर्मी ज्वाइन की या कोई सर्विस ज्वाइन की, तो अभी आपके पास क्या है, एक रैंक दी गई है कि इस रैंक के अकॉर्डिंग आप चलोगे, बट आप किसी को रिक्रूट नहीं कर सकते, है ना, रिक्रूट कौन करता है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। जैसे आप हायर रैंक पे जाओगे, जैसे पुलिस में अगर आप ज्वाइन करते हो तो DCP ACP वगैरह ये बन जाते हो आप, DIG IG वगैरह, तो क्या होगा, आपके पास ऑथराइजेशन आ गया ना कि आप कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हो, है ना भाई, आपके पास ऑथराइजेशन आ गया। बस वही चीज यहाँ पे हुई है, पहले क्या था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद सिस्टम डिफाइन करता था इनको, है ना, जो भी वैल्यू आप एंटर कर रहे हो। अब इसने क्या कहा कि भाई साहब अब अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो इसमें वैल्यू भी आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करो। तो देखो अब ABC को मैं दूसरे तरीके से यहाँ पे डिफाइन करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, जैसे कि वन के नाम से कर दिया इसको, ठीक है भाई, मुझे ऑथराइजेशन मिल गया तो मैं तो कुछ भी करूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये K2 बना दी मैंने, इसमें रख दिया B, और फिर उसके बाद में K3 एंड यहाँ पर सी। देखो D2 जहां पे आप इंडेक्स वैल्यू रख रहे थे वहां पर अभी भी आप इंडेक्स वैल्यू ही रख रहे हो, बट किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। देखो सेम काम हो रहा है, चाहे लिस्ट में देख लो
चाहे इस वाली डिक्शनरी में देख लो चाहे इस वाली में देख लो, भाई इसने मुझे अथॉरिटी दे दी तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखो पॉप वाला मेथड जो आपने कहा था वही मैं करके बताता हूँ। देखो लिस्ट वन डॉट पॉप, हमें रिमूव करना है सी को, तो सी की इंडेक्स वैल्यू क्या है, टू है लिस्ट में, जो इसने सिस्टम ने डिफाइन किया वो हमने डिफाइन नहीं किया। देखो रिमूव कर दिया, अब डी टू के अंदर हमने क्या किया, वही वाला पुराना कॉन्सेप्ट यूज किया है। कौन सा वाला, जो आपने लिस्ट में यूज किया था, हमने सेम नंबरिंग रखी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे डॉट पॉप, अच्छा अच्छा सॉरी डी वन आएगा, यहाँ पे डी वन आएगा, ये की तो है ही नहीं ना, डी वन डॉट पॉप टू। देखो अभी भी सेम काम किया इसने। अब हमने क्या किया, की का जो फॉर्मेशन था वो चेंज कर दिया, यानी कि अब हमें हमारे लिए क्या है, जो सी की है, जो सी के इंडेक्स वैल्यू वो क्या है, के थ्री हो गई, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, के थ्री, बस सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये मेथड बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, समझने का डिफरेंस आ गया है। पहले यहाँ पे सिस्टम खुद अपने हिसाब से करता था अलोट, है ना, और यहाँ पे क्या कर दिया, आपने अलोट कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। अच्छा देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं वैक्सीनेशन का। अब 18+ वैक्सीनेशन का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो आपने अपॉइंटमेंट कब मिलेगा आपको, जब गवर्नमेंट अलॉट करेगी आपको तभी मिलेगा ना, अदरवाइज आप लगवा ही नहीं सकते गवर्नमेंट के थ्रू। तो लिस्ट स्ट्रिंग और टपल का काम बिल्कुल वैसा ही है गवर्नमेंट वाला, कि गवर्नमेंट ही डिफाइन करेगी जो भी करना है। अच्छा बट अगर आपको किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाके लगवाना है तो आप क्या कर सकते हो, कि आपकी मर्जी पड़े जब आप अपॉइंटमेंट लो और वैक्सीनेशन करवा लो, दैट्स इट। तो जो डिक्शनरी है ये बिल्कुल प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल की तरह है, जिसमें आपकी मर्जी पड़े वैसे आप अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लो। और लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं जो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ असाइन करेंगे, है ना, जब उनके पास जगह होगी तभी आपको अपॉइंटमेंट देंगे, अदरवाइज वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। बस अपॉइंटमेंट को समझ लो कि दैट्स इट। अच्छा और क्या डाउट है बताओ इसमें, यस सर, आ गया समझ। आ गया समझ में? देखो अभी भी हम टारगेट इंडेक्स वैल्यू को ही कर रहे हैं, बट इंडेक्स वैल्यू का फॉर्म क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यहाँ पे सिक्वेंस में इसलिए होता है, इसको सिक्वेंस इसीलिए कहते हैं सिक्वेंटल डेटा टाइप, क्योंकि इसमें हमेशा जीरो से स्टार्टिंग होती है और कंटिन्यू होती है। बट ये क्या, ये सिक्वेंस में नहीं है डिक्शनरी, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया, तो ये एक पूरा कोई ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन हो एक तरह से की का। चलो ये तो बात हो गई किसकी, आपके इस वाले कॉन्सेप्ट की। अच्छा किसी और स्टूडेंट को दिक्कत इसके अंदर? सर चलो ठीक है, तो अब हम आगे वाले टॉपिक से उसको कंटिन्यू करते हैं डिक्शनरी के अंदर। आज कितनी 21 हो गई, 21 मई 2021, ओके डन। चलो अच्छा अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या है अपना, वो भी हम देख लेते हैं। ओके अब ये है आपका कि वहां पे वो की अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, वो चीज चेक करनी है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर लिस्ट में भी वैसे ही काम करता है जैसे यहाँ पे काम करेगा। कैसे चेक होगा, इस पूरे रामायण को एक बार रिमूव करते हैं और स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखो एक डिक्शनरी आपने बनाई, इसमें आपने की डिफाइन कर दी जैसे कि वन, नहीं वन से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको एक काम करते की वन के नाम से करते हैं, और यहाँ पे की टू एंड फाइनली की थ्री, और ये इसकी वैल्यू। अब आपको ये चेक करना है कि ये की इसमें अवेलेबल है या नहीं। जैसे लिस्ट में आप आइटम चेक करते थे कैसे, लिस्ट का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, उससे आपको इजी रहेगा। आप क्या करते थे, थ्री इन लिस्ट वन ऐसे चेक करते थे, इसने बता दिया एलिमेंट यहाँ है क्या नहीं है। अब ये क्या केस क्यों चेक करेगा, आपने जैसे यहाँ पे लिया की वन इन डिक्शनरी वन तो मिल गई इसको यहाँ पे, तो इसने क्या ट्रू कर दिया। और अगर कोई की अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल की फाइव इज नॉट अवेलेबल इन डी वन, तो क्या करेगा, फॉल्स बताएगा।
और अगर आपने नॉट इन यूज कर लिया तो ये जस्ट रिवर्स करेगा उसका की फाइव. आपने कहा कि भैया कि की फाइव इसमें नहीं है क्या, तो वो क्या बोलेगा, हाँ सर आप सही कह रहे हो नहीं है इसमें, बस ये ट्रू एंड फॉल्स में रिप्लाई करेगा. ये तो हो गया की की टेस्टिंग की यहाँ पर अवेलेबल है और नहीं है, दैट्स इट. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, और फिर भी डाउट है तो अभी बता दो. नो सर. अच्छा ये लेंथ वाला फंक्शन पता ही है आपको, लेंथ क्या करेगा, इसके लेंथ निकालेगा, जैसे कितने एलिमेंट है इसमें, तो आपने लेंथ निकाला किसकी, डी वन की लेंथ. इसमें कितने एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट है. देखो पूरा ये वन एलिमेंट, ये टू एलिमेंट और ये थ्री थर्ड एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके इंडेक्स वैल्यू है ना, काउंट तो इन्हीं को करेगा ये एक तरह से, तो पूरा एक पेयर ही काउंट होगा इसमें. ये तो हो गया लेंथ वाला. और क्लियर वाला मेथड क्या करेगा, आपके डिक्शनरी को क्लियर कर देगा लाइक लिस्ट. जैसे अभी डी वन की वैल्यू ये है और डी वन डॉट क्लियर एंटर किया, तो देखो डी वन बिल्कुल ब्लैंक हो गया, कुछ भी नहीं है अभी इसमें, देखो बिल्कुल खाली कर दिया. गेट वाला मेथड क्या करेगा, यहां से क्या कर सकते हो, विद दिस मेथड यू कैन गेट द आइटम्स विद द गिवन की सिमिलर टू डिक्शनरी की. ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आप की यूज करके, इफ द की इज नॉट प्रेजेंट पाइथन विल गिव एरर. तो देखो गेट के अंदर क्या हुआ, जैसे आपने गेट डॉट की, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है. एक बार इसको वापस से डिफाइन कर लेते हैं. देखो डी वन और आपने क्या यूज किया, की वन, इसने आंसर कर दिया आपको. अब डी वन डॉट गेट और की वन, देखो दोनों मेथड सेम ही है, आप ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बराबर है. बस यहाँ क्या यूज कर लिया हमने, गेट मेथड. अब नेक्स्ट क्या है आपका, आइटम्स. ये क्या करेगा, आपको जो डिक्शनरी के आइटम्स है वो शो कर देगा. कैसे, देखो डी वन डॉट आइटम्स, तो देखो की वन की टू और की थ्री के साथ आइटम इसने यहाँ पे शो कर दिए, दैट्स इट, कंप्लीट आइटम रिटर्न कर दिए. अब आपको सिर्फ कीज चाहिए इसकी, है ना, तो अगर आपको सिर्फ कीज चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कीज वाला फंक्शन यूज कर लो. इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, देखो d1 डॉट कीज, तो इससे क्या आ गया, जितने भी कीज थी सब यहाँ आ गई. और सेम इसी तरीके से अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज कर दो, दैट्स इट, 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज आपने असाइन की थी यहाँ पे वो यहाँ पर आ गई. तो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पुट कर दो. ये देखो वैल्यूज वाला हमने कर ही लिया. अच्छा अपडेट क्या करेगा, अपडेट क्या करता है, मर्ज की वैल्यूज. दो आपके पास डिक्शनरी गिवन है जैसे दोनों में ही सेम है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बट इसमें कोई एक की है जो एक्स्ट्रा है, तो उन दोनों क्या कर देगा, मर्ज कर देगा. ये कैसे मर्ज कर देगा, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए. अब दो डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, डी वन, ठीक है, नेम हो गया, ठीक है अजय, फर्स्ट वाली डिक्शनरी हो गई. दूसरा क्या हो गया, सिटी हो गया, सिटी आपने क्या कर दिया, जयपुर. ओके, अरे इक्वल्स टू का साइन क्यों लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली सेपरेट तो कॉलन से होते हैं. डन, डी टू डिक्शनरी बनाते हैं. डी टू डिक्शनरी में क्या होगा भाई, ये वाली वैल्यूज तो चलो सेम है, बट यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, राजेश कर दिया, सिटी अजमेर कर दी, ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज लिख दी हमने, एज, एज हमने कर दी जैसे इसकी 67 कर देते हैं. अब दो डिक्शनरी आपके पास, अरे यार सॉरी 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 बार बार भूल रहा हूँ, वी हैव टू यूज कॉलन इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू इन डिक्शनरी. ओके नाउ डन, सो दिस इज द डी वन और दिस इज द डी टू. अब इन दोनों डिक्शनरी को मर्ज करना है, मर्ज करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है. यहाँ पे क्या करो, डिक्शनरी डॉट अपडेट और जो अदर डिक्शनरी है वो रख दो. तो बस हम यहाँ पे करते हैं डी वन डॉट
अपडेट डी टू एंटर। अब देखो डी वन की वैल्यू क्या हुई, देखो कीज तो यही थी, सारी कीज एक साथ अपडेट हो गई ना। अब करंट वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों वैल्यू डी वन में क्या थी, अजय एंड जयपुर, बट यहाँ पे इसने अपडेट कर दिया सारी वैल्यूज को एक साथ, मल्टी वैल्यूज को इस तरह से। तो ये इसने क्या किया, अपडेट कर दिया, और साथ में जो एक्स्ट्रा की थी वो भी यहाँ पर ऐड कर दी। अब देखो जो आपका डी टू है वो भी सेम है और डी वन है, दोनों ही सेम हो गए। तो ये होता है अपडेट। यहाँ कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अगर डाउट लगे तो क्लियरली बता देना कि यहाँ डाउट है, क्योंकि अभी तो अपने पास टाइम है एक्सप्लेन करने का, अगर आगे निकल गए फिर दिक्कत आएगी। चलो ये तो एक्सटेंड का एग्जांपल गिवन है यहाँ पर, ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ये आप ट्राई करके देखना, और जिस प्रोग्राम में आपको डाउट लगे वो आप मुझे बताना कि इस प्रोग्राम में डाउट है। अब सॉर्टिंग टेक्निक्स आ गई, तो ये आज नहीं करेंगे सॉर्टिंग टेक्निक, क्योंकि ये डेटा को सॉर्ट करने का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास पूरी एक लिस्ट गिवन है, तो इसमें दो वेरिएबल्स को एक दूसरे से कंपेयर करके और इस तरीके से सॉर्ट करते हुए चलते हैं, तो ये क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गिवन है, ये इंसर्ट सॉर्ट है कि किस तरह से आप डेटा को इंसर्ट कर करके सॉर्ट कर सकते हो, दोनों का मेथड अलग है, ये करेंगे हम कल, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अच्छा जो टॉपिक रह गया था उसको एक बार हम देख लेते हैं, कौन सा टॉपिक था जब हमने यहाँ पे लिस्ट वगैरह स्टार्ट किया था, उससे पहले एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सॉरी वो हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अच्छा वोवल्स की काउंटिंग आई गई होगी सभी को, कि हाउ टू काउंट वोवल्स, या फिर कॉन्स्टेंट, या फिर आप कॉन्सोनेंट को कैसे काउंट करोगे। चलो ये स्ट्रिंग वाले में होना चाहिए, ओके okay, देखो ये आज की वैल्यूज होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपन से छूट गया था। अब देखो एक तो होता है ORD और एक होता है CHR। एक्चुअली क्या होता है, एक यूनिवर्सल कोडिंग होती है हर कैरेक्टर की, जैसे A जो है कैपिटल A का कोड क्या होगा, स्मॉल A का कोड क्या होगा। ठीक है, जैसे इसका 97 है तो इसका 65 है। आप किसी नंबर, अगर कोई नंबर एंटर कर देते हो तो उसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अल्फाबेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैं आपको इसके थ्रू करके दिखा रहा हूँ, देखो ASCII कोड में किस तरह से आप कन्वर्ट, दो फंक्शंस हैं ORD एंड CHR। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपने लिखा CHR और आपने लिख दिया 65, तो क्या रिटर्न किया इसने, कैपिटल A। अगर आप CHR कर दोगे 97, ये यूनिवर्सल कोडिंग है, तो A स्मॉल A आएगा। अगर आपने यहाँ पर ORD कर दिया तो ये क्या करेगा, अगर आपने कोई एक अल्फाबेट लिया, जैसे ए अल्फाबेट लिया सॉरी, तो उसका कोड यहाँ पे शो कर देगा। आप इससे किसी भी कैरेक्टर का कोड चेक कर सकते हो, जैसे CHR कर दिया आपने, आपने 156 कर दिया, तो इसका इसका जो सिंबल है क्या है, इसका सिंबल है दिस वन, ये वाला। तो ये दो मैथड्स हैं, आप कोई भी नंबर एंटर करवा करके और वो कैरेक्टर वहां पे प्रिंट कर सकते हो, या कोई कैरेक्टर का जो एक्चुअल नंबर है वो प्रिंट कर सकते हो। तो ये ASCII कोडिंग है, बस इतना सा ये बचा हुआ था, ये छूट गया था जो हमने अभी कवर कर लिया है। एक बार आप एक काम करना, ये जो चैप्टर है इसको एक बार अच्छे से रीड करना आज, और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें तो कल वो डाउट बता देना, कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर हमें फंक्शन स्टार्ट करना है। एक बार फंक्शन पढ़ोगे ना आप तो और इंटरेस्ट आएगा आपको आपके सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर।
हम काफी सारे स्टेप्स को रिमूव ये समझो रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द फंक्शनैलिटी। तो ये आप ट्राई करके देख लो, जैसे ये 65 पूरी गिवन है, एक्चुअली ये प्रोग्राम यूज आता था C++ के अंदर, क्योंकि वहां पे अल्फा स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करना और कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं, जो फंक्शन हम बनाते थे वो क्या करते थे, इनके नंबर्स होते थे, नंबर्स को इंटरचेंज कर देते थे, इसलिए वहां पे हम यूज करते थे। बट अभी आप पाइथन में डायरेक्टली अपर केस और लोअर केस में कर सकते हो। चलो ऐसा है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है या डाउट लग रहा है किसी भी चीज में, आप क्लियर बताओ मुझे, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर बोलो, सर नहीं आया समझ में, दैट्स इट, क्योंकि यही टाइम है समझ में। ठीक है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा एक बार चेक करके, है ना। आपको अगर नहीं आ रहा है ना समझ में, आप साफ बोलो सर नहीं आ रहा मैं तो समझ में, अगर आप 50 टाइम्स भी कहोगे ना सर नहीं आया समझ में, 50 टाइम्स भी समझाऊंगा, बट आपका फाउंडेशन, आपकी जो बेस है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाओ तो आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। ये छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं, नींव की ईट है ना, वो मजबूत कर रहा हूँ मैं अभी आपकी, इसलिए इतना टाइम लेके चल रहा हूँ इसमें। एक बार ये मजबूत हो गई तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्डिंग अच्छी से अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। और अगर आप नींव ही अगर कमजोर है, बेस ही अगर आपका वीक रहेगा, तो आप जब भी प्रोग्राम बनाओगे ना हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे, इसका ये क्यों यूज किया, ये क्यों यूज किया, दैट्स इट, बस वही चल रहा है अभी। तो अगर आप कहोगे तो मैं, कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से वापस से रिवाइज भी कर दूंगा पूरा, क्योंकि अगर आगे चले गए फिर रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर इतना वर्डन हो जाएगा कि आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे या फिर एडवांस चीजें पढ़ोगे, है ना। तो बस अब इस क्लास को अगर आप कंटिन्यू लेते भी रहोगे ना, आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। तो बस कोशिश करना।